अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये टिकटॉक क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है टिकटॉक के ऊपर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टिकटॉक ने मोनेटाइजेशन का जो बीटा प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दिया है, और जिसके बाद आप बीटा प्रोग्राम से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त हैं, व्यूवर्स हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमने तो रिसेंटली टिकटॉक के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है, अभी हमने अर्निंग स्टार्ट नहीं की, तो आप ये कह रहे हैं कि टिकटॉक ने अपना बीटा प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म कर दिया है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, टिकटॉक ने एक और मोनेटाइजेशन का इसमें इंप्लीमेंट किया है, यानी कि इसका नेम जो है क्रिएटिविटी प्रोग्राम उसको चेंज कर दिया है, चेंज करके नेम इसका टिकटॉक क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का नेम रख दिया गया है, जिसके बाद आप टिकटॉक से ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। ये क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम क्या है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, आए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप टिकटॉक क्रिएटर हैं और फ्यूचर में आप टिकटॉक से अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिवॉर्ड प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी यूनिक और डेथ के ऊपर चीज़ें हैं जिनको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। टिकटॉक मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए अब जो प्रोग्राम है उसके लिए आपके 18 साल से प्लस एज होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास 1,00,000 व्यूज होने चाहिए लास्ट 30 डेज में, और इसके अलावा 10,000 टिकटॉक फॉलोअर्स आपके अकाउंट के ऊपर होने चाहिए, और दोस्तों उसके बाद ही आप टिकटॉक रिवॉर्ड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रिवॉर्ड्स क्रिएटर प्रोग्राम जो है वो एलिजिबल हो गया, उसके बाद आपके कौन से जो मेथड्स हैं जिनको हमें फॉलोअप करना पड़ेगा, जिसके बाद हम ऑनलाइन अर्निंग जो है टिकटॉक के थ्रू इजीली कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पहले तो होता था ना कि एक पर्सन जो है वो 2 बार देख रहा है, 3 बार देख रहा है, तो उस हिसाब से जो है व्यूज काउंट होते थे। अब क्वालिफाइड व्यूज काउंट वो होंगे जो कि 5 बंदे जो है अच्छे तरीके से आपकी वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, उसके बाद ही आपका 1 व्यू काउंट होगा, डबल या ट्रिपल व्यूज आपके काउंट नहीं होंगे। और क्वालिफाइड व्यूज का ये मतलब है कि जो आपका एक यूनिक व्यू है, एक पर्सन का 1 व्यू, उसके ऊपर ही आपको अर्निंग होगी। नेक्स्ट की बात करें तो आपके जो ट्रैफिक आएगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, यानी कि आपके फॉलोअर्स आ रहे हैं, आपका व्यूज आ रहे हैं, आपका वॉच टाइम जो है वो बढ़ रहा है, तो वो व्यूज जो है एडवर्टाइजमेंट के वो काउंट नहीं होंगे आपकी एलिजिबिलिटी में, आपकी अर्निंग में। और फ्रेंड्स, मोहतात रहने वाली ये बात है कि जो फॉर यू है वहां से अगर आपको व्यूज आएंगे क्वालिफाइड, तो फिर ही आपके व्यूज काउंट किए जाएंगे। दोस्तों, ये कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कि टिकटॉक वालों की तरफ से न्यू अपडेट्स आई हैं, जिसमें ये वाज़े तौर पे बताया गया है कि आपके व्यूज कैसे काउंट होंगे, आपके फॉलोअर्स कैसे काउंट होंगे, और कौन सी आपने रूल्स को फॉलो करना है। और अगर तो फ्रेंड्स आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो देन ही आप अर्निंग कर पाएंगे टिकटॉक मोनेटाइजेशन के थ्रू। दोस्तों, अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें यानी कि यूट्यूब की, तो यहाँ पे हमारे पास आता है CPM। अगर हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वीडियोस को प्रमोट करते हैं, तो टिकटॉक भी वही बता रहा है कि 1000 व्यूज के ऊपर आपको RPM हम देंगे, जो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो आपको नहीं मिलेगा, बट आपकी जो वीडियोज निकलेंगी और उसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट व्यूज आएंगे, तो फिर ही आप अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद ही 1000 व्यूज के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा कि आपकी कंट्री कौन सी है, किस कंट्री से आप बिलोंगड हैं, तो देन आपको उस हिसाब से डॉलर रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये कंट्री वाइज डिसाइड होगा कि आपको 0.25 देते हैं, 0.50 देते हैं, या $1.30 जो हैं आपको मिलते हैं अपनी पर वीडियो व्यूज के हिसाब से। अब यहां पे अगर बात करें तो RPM जो है वो किन का ज्यादा होगा, उनका होगा जिनकी वीडियो फॉर यू में चलेगी, उनका होगा जिनकी इंगेजमेंट ज्यादा होंगी, उनका होगा जिनकी वीडियोज लोग सर्च करके देखना पसंद करेंगे, उनका RPM बहुत ही तगड़ा होगा और वो भी अच्छे तरीके से अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आप लाजमी एक टिकटॉक क्रिएटर हैं और टिकटॉक के ऊपर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो इसलिए आपने ये तमाम जो मैंने बातें बताई हैं इसको फॉलोअप करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें और आपको ढेरों दुआएं दे सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल के ऊपर न्यू तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड, लेटेस्ट अपडेट्स के रिलेटेड और बहुत सारी हैकिंग के रिलेटेड वीडियोज डेली बेस के ऊपर अपलोड होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग,
इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर।